किसके? ये किसके ले रहा था भाई? अच्छा अबे आंख में फेविकोल था। तो वही डीपी बना ले फिर, आधार कार्ड पे लगवा। अरे आधार पापा से पूरी बिगिनी शूट करवा रहा है। हुए मुंह छुड़ा दी। अच्छा एक सेकंड की मुझे लुच ले देना। भाभी सोचता रहा गाइस चुतिया बच्चे कैसे पैदा कर लिया मैंने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं स्ले पॉइंट चैनल से एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसका नाम है इरिटेटिंग इंडियन पेरेंट्स फॉर व्यूज। इसका मतलब है भाई, जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ना प्रैंकस्टर्स, अपने माँ बाप पे प्रैंक करके व्यूज कमाते हैं, उन्हीं पे है भाई वीडियो। अगर चैनल पे नहीं आए हो तो मेरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब यार। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो की लिंक और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, प्लीज चेकआउट कर लो। सो चलो गाइस वीडियो देखते हैं। Hey, nice car. What do you do for a living? रोज प्रेगनेंसी, दारू नशे के प्रैंक करके माँ बाप को हार्ट अटैक देता हूँ। आज बढ़िया कंटेंट निकला है। घरों में सब फ्री में मार खाते हैं, मैंने उसको धंधा बना लिया। मस्त प्लान बे। आंटी कहाँ है? अरे वो पिछले प्रैंक से एडमिट है, इनको छोड़ूंगा उनको वापस ले जाओ, मार खाओ, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो। चलो अब नेक्स्ट प्रैंक के लिए इनको जिंदा भी रखते हैं। YouTube के होम मेड पंचिंग बैग, जिनको माँ बाप ने बचपन में नहीं पीटा तो वो बकलोली करके खुद पिटना चाहते। प्रेगनेंसी प्रैंक विद फादर, सट्टेबाजी प्रैंक, स्टेरॉइड्स प्रैंक, दुनिया के सबसे बिगड़े का, उससे माँ बाप ही नहीं चाचा ताऊ भी आ जाए सर फोड़ने। इनका चैनल बहुत ज्यादा चल रहा भाई, ये विश लिस्ट खोल ली। मजेदार सुसु प्रैंक, बेड पे सुसु। संडे को फैमिली टाइम में ये नहीं किया तो क्या मजा किया? क्या वाटर पार्क डिनर प्लान में खर्चा? क्या था पारिवारिक मूथ प्लान बनाओ। अब ये क्या प्रैंक है? अरे भाई देखा है ये, पानी से चपाती बन रही है भाई। इंपोर्टेड इनॉन मस्क मेन पॉइंट लगाया भाई। प्रैंक शुरू कहीं भी हो, एंड एक ही जगह होता है। प्रैंक है, प्रैंक है, प्रैंक है। तेरे मुख के मार के तेरा जहर के प्रैंक रिवील करके एंड ऑफ आए। हवसी पापा को तो ऐसी नजर से मत देख, पहले भरा छोड़ा। और रोहित शेट्टी को एक बार YouTube दिखाओ, खतरों के खिलाड़ी को लात मार के इनके घर घुसाएंगे, क्योंकि यही हो रहा है असली जानलेवा स्टंट। पापा की सोते हुए मुंह छुड़ा दी। अच्छा एक सेकंड की मुझे लुच ले देना। भाभी सोचता रहा गाइस चुतिया बच्चे कैसे पैदा कर लिया मैंने। नहीं कटने वाली है भाई, अब फुटपाथ पे हर अंकल की दाढ़ी बनाएगा। स्लैपिंग प्रैंक ऑन डैड, पापा को थप्पड़ थप्पड़ बे। शमशान घाट की बुकिंग आज की करूँ कि कल की? उधर ही मिलेगा बाद में। हाथ उठा लिया बे, इतनी हिम्मत पड़ गई। डायपर दे, मेरे पड़ गई। छत कैसे इसके सर पे अभी भी? अरे वीडियो वीडियो वीडियो, बस बैठ, मुझे तलवार से पंचर कर देते पीछे। एक रुपए घर से बाहर निकालना, यहाँ खिड़की से वॉलीबॉल जैसे उड़ा दिए जाते हम। यहाँ नजर उठा के पापा से आई कांटेक्ट नहीं होता, इसने हाथ उठा दिया। फिर पापा ने बोला देख रहे हो हाथ ऐसे हो गई तो उठा ही दिया। हरामी बच्चे भाई, उठाने वाले मैं ये करने जाऊं, पैंट गीली होके वैसी पांच चपातियां निकल आएगी जमीन पे। पापा को खड़ा कर रहा था, उन्होंने मुझे ही बाहर खड़ा कर दिया कपड़े का स्टैंड बना के। अब मुंह पे कच्चा सुखाते हैं। अरे यार हुक्का के लिए गंदा पिट रहा था, तो सिचुएशन ठंडा करने के लिए आइंस्टाइन ने खींच के बड़ा बेथप्पड़। मम्मी एक पी के साथ ही बैठ जाएगी महफिल जमा के हुक्का पीने, गुस्सा वही छल्लों में उड़ा देगी। दोस्तों का ऐसे ही मूड बनता है, क्या पता मम्मी का भी बन जाए। और ऐसे ढीठ हो चुके हैं कि पिटाई से डर ही नहीं लगता भाई। धूम्रपान प्रैंक, पता है पापा छाती पे फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले, गया बन के इसको दरवाजा बनाने छाती पे मार दिया। इतनी एक्साइटमेंट जैसे पिकनिक पे जा रहा है। व्हाट अप माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। हां ठीक है, एंड नो वन रियली केयर्स अबाउट इट एंड वेलकम। वाह तो पूछा क्यों भाई? तो ये प्रैंक मैं मेरे मम्मी पे करने वाला हूं। संस्कारी बन रहा ब्रो, अगरबत्ती नहीं है जो शुद्धि फैला रहा है पूरे घर में। ये काई, काई। सब्जी भूल के मम्मी इसी को पीसने लग गई। आंटी सोयाबीन जल जाएगा। इसे क्या, इसने तो पेट भर लिया मार खा खा के। फिर मम्मी जाती है हथियार बदलने। मार खाने का इतना सिंगल है भाई कि अब ये सब में मजा आ रहा है। अरे उसके बर्थडे पे भी बोलता होगा कि बर्थडे बम्स मुझे ही दे दो, मजा आता है। इसे क्या सिलोमान भाई, मम्मी हाँ ये कर लो।
फटे तो फटे पर नवाबी ना फटे। इतना मोटा सांड हो गया आए आए आए। ताकि मेरी मम्मी मुझे ये ताना ना मारने लगे। सांड हो गया आए आए आए। तो डेली गिल्ट फ्री स्नैक के लिए बेस्ट है चॉकलेट। अब ये दारू नशे के प्रैंक सालों से कर लिए, उससे बुरा क्या है। किसके? ये किसके ले रहा था भाई? अच्छा अबे आंख में फेविकोल था। देखा अच्छा रहा है। तो वो ही डीपी बना ले फिर, आधार कार्ड पे लगवा दे। अच्छा पापा से पूरी बिगिनी शूट करवा रहा है। क्या एक्शन काहे की कर रहा है? विदेशियों के पास होगी मियां एंजेलिना, हमारे पास ये उसका कैसे कैसे नमूने है भाई गैंगस्टर। और वो भाई पे प्रैंक करने वालों को देखना पड़ेगा। आपके जमाने में आपकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, हो भी नहीं सकती ना, आपने फोटो ही नहीं भेजे। तब अंकल उस जमाने में क्या फैक्स करते अपने ये फोटो? चिट्ठी में चिपका के भेजते, फोटो स्टूडियो में सबके सामने ही पोज मारते, कबूतर भी मुंह से ले जाने को मना कर देता ऐसी फोटो। मुझे दूसरे पापा चाहिए प्रैंक, और मुझे दूसरी शक्ल चाहिए। प्रैंक के नाम पे कुछ भी मांग लो। अरे भाई पहले स्कूल को तो जा ब्रो। जब ये पेट में था तब मम्मी स्क्रिप्ट खाती थी क्या? क्या है ये? पता नहीं यार। अरे तैमूर से लिखवा के दो इसके सबटाइटल्स, मुझसे नहीं हो रहा। बेटा ये कर ले पहले। क्या? दूसरी कक्षा में गया नहीं, इसे दूसरे पापा चाहिए। प्रैंक नहीं, यहाँ तो परवरिश गॉन रॉन्ग। तो भाई आज अरे भाई इसकी एज में मैं तो वो कुछ क्रेजी होने वाला। तो गाइस वो है टॉपिक पॉटी प्रैंक। यही बनाने वाला था। हल्दी और आटा तो मैंने मिक्स करूंगा, पानी भी है तो गाई हल्दी में मिला दूंगा। पानी मिलाऊं क्योंकि इसमें थोड़ा गाढ़ा कलर चाहिए ना। गाढ़ा गाढ़ा मम्मी की हल्दी बर्बाद करने के लिए पिट गया। और कई बार इन्हें प्रैंक से जो रिएक्शन चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फेकिंग माय मौत, बेहोश पड़ा है जमीन पे। और पापा मरने दे साले को। देख लो सब, मरना है तो पापा के न्यूज देखने के बाद मरो। 10 से 11 बजे का मुहूर्त पकड़ो, क्योंकि उससे पहले तो कोई तुमको अटेंशन मिलेगा। शायद अब्सेंटी हो जाए पापा। अरे थप्पड़ मार रहा ब्रो। कितना प्यार, सोचा मरने पे तो इमोशनल होंगे, सोचा था आंखें नम होगी, पिट के इसी की चड्डी नम होगी। पापा भूल गए कि इंसान है टीवी रिमोट नहीं जो 2 बार मारने से चलने लगेगा। पापा यहाँ भी डिसअपॉइंटेड, पड़ोसी का लड़का अभी भी जिंदा है। तो तू क्या मर रहा है बे? उठ साले। पेशेंट इन USA CPR चेस्ट कंप्रेशन, पेशेंट इन इंडिया एक बेल्ट और जान हाथ। भाई जस्ट मिस ब्रो, किधर लगने वाली थी। और भाई तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे मम्मी पापा यूट्यूब करने के लिए हमें ऐसे ना पीट दे। यहाँ ये बंदा कर रहा है टैटू प्रैंक, सोचा मम्मी उसके लिए मारेगी, पर ये तरह से बाल नहीं कटवाए जाते इतने बड़े हो गए, 4 दिन से दूध नहीं लेके आए सुबह। तू ये खाने का ये करने का मतलब टैटू गई। मम्मियों को सिर्फ घर के कामों से फर्क पड़ता है। दूध क्यों नहीं लाया? बच्चों को कूड़ा क्या? तेरे पास बाल कटाने दूध लाने का टाइम नहीं है, क्राइम करने का टाइम है तेरे पास। वाह और अपने पर्सनालिटी के साथ जो प्रैंक जचे ना वही प्रैंक करने चाहिए, वरना मेरी गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। मम्मी भी लाइक तेरी शक्ल से रहने दे। मानी नहीं, जब मम्मी को भोंदू शक्ल पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो। मम्मी सोच रही है तू किसी को प्रेग्नेंट, इसका फोन कस्टमर सर्विस वाली भी काट दे, अलेक्सा भी हाई ना बोले। मुझे ही देख लो, सूट होगा मेरे पे प्रेगनेंसी प्रैंक, ऐसी न्यूज सुनाऊंगा घर वालों को, स्टैंड अप कॉमेडी। फिर इसने सोचा मम्मी मान नहीं रही है, मैं सिंगल भी हूँ, पर प्रेगनेंसी प्रैंक्स पे बहुत व्यूज आते हैं, तो मैं खुद ही प्रेगनेंट हो जाता हूँ। अरे मेरे को लग रहा है मैं प्रेगनेंट हूँ। दुनिया भर के डॉक्टर तो घूम गया गए दिमाग। लौता लड़का जिसने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप मारा है। इसका मतलब समझता क्या होता है? अब तो प्रैंक नहीं 12 साल की स्कूल फीस बर्बाद करने के लिए पिट रहा है। सिम्टम क्या है? कल रात से पेट में दर्द दे रहा है, कल उल्टी भी हुई मेरे को, पेट भी देखो मोटा होता जा रहा है।
भाई मतलब इसका मतलब प्रेग्नेंट है, डुबो के खाए ना उसके सिम्टम है ये, प्रेगनेंसी के नहीं। मेरे को लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। टेस्ट कराई? मेरे को लग रहा है मैं हूँ तो हूँ। मेरे को लग रहा है मैं हूँ। अरे समझा लो इसको। आज ठंडा लग रहा है, आज प्रेग्नेंट लग रहा है। मेरे को लग रहा है मैं हूँ तो हूँ। प्रेग्नेंट लड़कियाँ होती, लड़के नहीं होते। इसलिए बोलता हूँ फेसबुक मत देखा करो यार, मेरी तरह ये भी फर्क है। और कभी पापा से पूछो कि बच्चा कैसे होता है। मेल खाते हैं उसके बाद प्रेग्नेंट होते हैं। क्या? तो प्रैंकस्टर्स के करोड़ों बच्चे हो जाते हैं अभी तक। एक पूरे गांव को तो मैं ही जन्म दे दूं। और कई बार ही अपने दोस्तों को प्रैंक में मदद करने के लिए बुलाते हैं और बेचारा वही गाली खा जाता है। यहाँ तीन बेस्ट फ्रेंड और बेटा दारू का सेटअप लगा के बैठे हैं। फिर पापा आते हैं और अरे भाई दोस्त है पी सब रहे थे पर गंजेड़ी ये गंदी शक्ल का एग्जाम्पल भी यही। शक्ल देखा देखा नहीं। इतना चुभने लगा हूँ सबको। चुभा तो नहीं हूँ और एकदम पास जाके कि तू तू गंजेड़ी ये नहीं तू कंफ्यूज मत होना तू। अब कभी लड़की हैंडसम बोल दे तो भी भाई को यही पल याद आएगा। शक्ल देखा देखा नहीं। अरे भाई सबको पीट दिया अभी उसी को। वो सोच रहा भाई मैंने क्या किया, हर बार नमस्ते भी करता हूँ, अपने घर की दूसरी चाबी भी इन्हीं को देता हूँ। अब से बिल्कुल नहीं। ये सस्ता भुवन बाम घायल को ही शील्ड बना दिया। फिर उसी आज का दिल ही खराब है भाई बंदे के लिए। उठा के मारेंगे आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती में। तीन विकेट है पर बॉल मिडिल स्टंप पे लग रही है बार बार। मैच देखने आई ऑडियंस ही पिट गई। इतने खड़ूस अंकल पे प्रैंक किया है क्यों? वो सही है वो स्ट्रॉन्ग बंदे। आज के बाद कभी नहीं भूलेगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग। और शर्म थोड़ी है जो पिटाई में वीडियो एंड कर दे। आउट्रो देंगे पिटाई के बीच। बोल चल निकल। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। हाइल धरानी व्लॉग्स को सब्सक्राइब। ये भी हो गया है 30,000 लाइक। हां पीसो सामने पीस की बात है। अच्छी लगती है जब पीछे बम फूट रहे हो और हर वीडियो में पिटाई होती है तो गॉन रॉन्ग प्रैंक। गॉन रॉन्ग प्रैंक। गॉन एक्सट्रीमली रॉन्ग। गॉन रॉन्ग प्रैंक। आई टाइटल से ही आदमी डर जाना ब्रो। गॉन राइट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दारू प्रैंक ऑन पापा। ऐसे पापा चाहिए ब्रो। पीपी लाज बना ये क्या है यार? पी टंकी बन पापा। और नहीं पापा और नहीं। बेटा तुम्हारे वाटर बॉटल में भी दारू भर दी है। स्कूल में भी मजे। फैमिली बोले चाहिए ब्रो। और इन्हें पता है कि कितना स्ट्रेस देते हैं मां-बाप को ये सब प्रैंक्स। फ्रंट पे कमेंट किया था अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग इसके डैड पे क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। अभी तक प्रॉब्लम नहीं है ब्रो पर आज हम दे देंगे ब्रो। किसी की मम्मी जाएंगे ब्रो। बेहोश हो गई। ये शूट हो रही है वीडियो। किसी की मम्मी रोने लगी। तुम्हारे लिए मजाक है पर उनकी आंखों में 10 मिनट के लिए तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए इज्जत सब खत्म हो जाए। और फिर तुम कहते हो इट्स अ प्रैंक। भाई उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है उन्हें रहने दो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप चप्पल बेलन बेल्ट इत्यादि से कभी पिट चुके हो लाइफ में तो सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक करो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मुझे दूसरे पापा चाहिए। करेक्ट। मैं सोच तो रही था बस तुझसे सुनना चाहता था मम्मी के लिए डिवोर्स पेपर्स। पापा सीरियसली ले ब्रो। भाई क्या चल रहा है भाई इन प्रैंक स्टारों का। कुछ भी बना रहे कुछ भी प्रैंक कर रहे ब्रो। सो गाइस कैसी लगी यार वीडियो? आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लीज़ चेकआउट कर लो। सो फिर मिलेंगे इसे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। बाय।